नमस्कार दोस्तों, इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट से मैं आरती श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करती हूं। साथियों, हम लेकर आ गए हैं इतिहास के पन्नों में आज का दिन, यानी 2 अगस्त का दिन इतिहास में क्या महत्व रखता है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। साथियों, जिन्होंने की थी तिरंगे की कल्पना, यानी कि 2 अगस्त वर्ष 1876 को मौजूदा आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के निकट भटला पेनुमारू में पिंगली वेंकैया का जन्म हुआ। पिंगली वेंकैया राष्ट्रीय ध्वज के अभिकल्पक हैं। सच्चे देशभक्त और कृषि वैज्ञानिक वेंकैया कई भाषाओं के ज्ञाता थे। भूविज्ञान एवं कृषि क्षेत्र को लेकर उनकी गहरी दिलचस्पी थी। वो हीरे की खदान के विशेषज्ञ थे। ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा के दौरान उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के एंग्लो बोअर युद्ध में हिस्सा लिया। इसी दौरान वो महात्मा गांधी के संपर्क में आए। वर्तमान आंध्र प्रदेश के काकीनाड़ा में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान वेंकैया ने भारत का अपना राष्ट्रीय ध्वज होने की जरूरत पर बल दिया। ये विचार महात्मा गांधी को पसंद आया और उन्होंने वेंकैया को राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा तैयार करने की सलाह दी। लगभग 5 साल तक 30 विभिन्न देशों के राष्ट्रीय ध्वजों के अध्ययन के बाद वेंकैया ने तिरंगे का प्रारूप तैयार किया और वर्ष 1921 में विजयवाड़ा में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी से मिलकर उन्हें बताया। हालांकि जालंधर के हंसराज ने झंडे में प्रगति के प्रतीक चक्र चिन्ह का सुझाव दिया। वर्ष 1931 में कांग्रेस ने कराची के अखिल भारतीय सम्मेलन में केसरिया, सफेद और हरे 3 रंगों वाले इस ध्वज को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। बाद में राष्ट्रीय ध्वज में तिरंगे के बीच चरखे की जगह अशोक चक्र ने ले ली। इसके साथ साथ और भी कई अन्य अहम घटनाएं हुई हैं 2 अगस्त के दिन। 2 अगस्त वर्ष 1763 को मुर्शिदाबाद पर कब्जे के बाद ब्रिटिश सेना ने गिरिया के युद्ध में मीर कासिम को हराया। 2 अगस्त वर्ष 1790 को अमेरिका में पहली बार जनगणना हुई। इसके अलावा 2 अगस्त वर्ष 1858 को ब्रिटिश सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया, जिससे भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश राजशाही के हाथों में चला गया। 2 अगस्त वर्ष 1955 को सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया। इसके अलावा 2 अगस्त वर्ष 1987 को विश्वनाथन आनंद ने विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीती और 2 अगस्त वर्ष 1990 को इराक की सेना ने कुवैत पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। इस तरह से 2 अगस्त इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया।